दोस्तों सिगरेट सिगरेट अगर हम आज देखते हैं तो वो एक लंबी सी डंडी होती है जिसके आगे का पार्ट व्हाइट रंग का होता है, पीछे का पार्ट ब्राउन रंग का होता है और उसमें एक फिल्टर लगाया हुआ होता है। पर ये सिगरेट, इसको रूप देने वाले कौन है, इसको इस नए रूप में लाने वाले और मार्केटिंग करने वाले कौन है, उनके और उनके साथी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने किस तरीके से इसको चालू किया, किस तरीके से इसको मार्केट किया और किस तरीके से इस दुनिया में सिगरेट को लाया जो कि पहले सिगार या फिर बीड़ी के रूप में ज्यादा चलता था। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों 1880 में जेम्स ब्यूकनर ड्यूक, ये जो बंदे हैं, इनको सिगरेट का ये जो बिजनेस है काफी अच्छा लगा, वो इसमें इन्वॉल्व हुए। उन्हें लगा कि ये बिजनेस को वो ग्रो कर सकते हैं। हालांकि उस समय जब वो स्टार्ट किए थे तब ये सिगरेट इंडस्ट्री एक फैक्ट्री में जब बनती थी तो किसी एक इंडिविजुअल कारीगर या फिर जैसे औरतें बनाती थी तो वो एक मिनट में या एक घंटे में 10 या 12 सिगरेट बना पाती थी और उस समय इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। तो जब ड्यूक ने सिगरेट बनाना चालू किया तो उस समय सिगरेट कोई अनशेप्ड या किसी तरीके से बन के आती थी, कोई छोटी कोई बड़ी। पर उसके बाद जो आज का सिगरेट आप देखते हो तो इसका अगर देन अगर हम किसी को मानते हैं तो वो ड्यूक को ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आज के इस करंट सिगरेट के जो रूपरेखा है उसको उन्होंने ही प्रदान किया था। दोस्तों फिर ड्यूक मिले बोनसेक से, बोनसेक एक इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मशीन है जिससे सिगरेट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। उन्होंने उससे हैंडशेक किया और फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता को तैयार किया एक फैक्ट्री में। जब ये मशीन के थ्रू जब सिगरेट बनाई गई तो एक एक दिन में लाखों लाखों सिगरेट तैयार होने लगे। अब ये हो गया मार्केटिंग का काम। सिगरेट का कंजप्शन अगर 20 हजारों में है और प्रोडक्शन लाखों में है, अब इसको बेचे कैसे? तो उन्होंने इसको इस तरीके से मार्केटिंग किया, इससे सिगरेट व्यापक रूप से अमेरिका में फैलने लगा और सिगरेट को दुनिया में इतना फैला दिया है कि अगर आप मार्केटिंग गुरु के हिसाब से देखो तो आप उनको देख सकते हो, क्योंकि उनका नाम इतना हुआ नहीं। पर अगर आप मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स को समझते हो आज के दिन की भैया वो आज मार्केटिंग गुरु है जिन्होंने विश्व में पूरा अपना नाम और विख्यात किया हुआ, पर अगर ड्यूक्स को देखा जाए तो उन्होंने सिगरेट को इतना जबरदस्त मार्केट किया, अमेरिका के बाद वो यूरोप पहुंचे, यूरोप में उसका पूरे लत लगा दी लोगों को, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला। 1930 तक तो सिगरेट को हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था। 1930 तक के इंसाइक्लोपीडिया में इसको हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था, किसी को पता ही नहीं था कि इससे बीमारियां भी हो सकती है। जब उसके बाद जब पता चला 1930 के बाद लोगों को इससे बहुत बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, लोग मरते हैं, तो बाद में इसका जब वैल्यूएशन किया गया तो 20वीं शताब्दी में लगभग 30 करोड़ लोग इस सिगरेट के सेवन से मारे गए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी भर की थी, पर सिगरेट पीना आपके सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट ना पिए तो ही आपके लिए अच्छा है। बाकी तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आगे देखिएगा।